हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम लेके आए हैं बॉडी टेम्परेचर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कीज। तो आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो नर्सिंग से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको अगर हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करते हैं सेंटीग्रेड में, तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरियस ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू साइट, अलग अलग साइट पे हम अलग अलग बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, तो वो अलग अलग आता है। जैसे एक्जिलरी बॉडी टेम्परेचर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ओरल से हम जब टेम्परेचर लेते हैं तो आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट की है पायरेक्सिया बॉडी टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। माइल्ड पायरेक्सिया 99 से और 100 के बीच में फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तो उसे मिड पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। मॉडरेट पायरेक्सिया, जब बॉडी टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो मॉडरेट पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। सीवियर पायरेक्सिया 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसे सीवियर पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। हाइपर पायरेक्सिया मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तो हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। और ये सभी फीवर की कंडीशन में होती है। तो कैसे लगी दोस्तों हमारी क्लास, कमेंट्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।